तो अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जब मान लो ट्रिग्नोमेट्री, अभी तो मैंने बेसिक बेसिक फार्मूला लिखवा दिया, और बेसिक फार्मूला के साथ साथ अगर मैंने लिखवा दिया यहाँ पे एक और चीज आपको कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लीनियर होगा तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसको इंटीग्रेट कर देना है और जो लीनियर जो होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और लीनियर के जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है उसको डिवाइड कर देंगे। अभी तक ये अपन बात चल रहे हैं कर रहे हैं। अब हम बात करें कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर डिग्री ज्यादा हो गया, यानी अभी भी टॉपिक तो वही है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ टॉपिक क्या है अपना आज का, आज की बात इस पे करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन विथ मोर देन वन डिग्री, यानी एक से ज्यादा डिग्री हो तो कैसे अपन बात करेंगे। देखो भाई स्टार्टिंग है तो जरूरी है ये सब चीजें करना, एक बार कर लेंगे तो आगे चल के हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। जैसे मान लो पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं, कभी आपके सामने आ गया साइन स्क्वायर एक्स, या दूसरे नंबर पे बात करूं कभी आ गया आपके सामने कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, या कभी तीसरे नंबर पे आपके सामने बात आ गया साइन क्यूब एक्स डीएक्स, या आपके चौथे नंबर पे कोई बात आ गया आपका इंटीग्रेशन में कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, या कई बार पांचवे नंबर पे ऐसे साइन की पावर 4x dx, या छठे नंबर पे इंटीग्रेशन में कॉस की पावर 4x dx, तो ये सब आया तो अच्छा 5x आएगा। तो उसके बाद जैसे चार से ज्यादा के बारे में बातचीत करने लगेंगे तो उसके तरीका अपन हम लोग बदल देंगे, तरीका दूसरा तरीका अपना लेंगे। फिर भी मैं बता दूंगा कि 5 होगा 7 होगा 9 होगा तो क्या होगा, 6 7 8 होगा तो क्या होगा, उसमें आपका चीज की दिक्कत नहीं है। जैसे मैं मान लो पहले नंबर पे बात करता हूं कि आपका है इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स, तो आप ये कोशिश करना, हमेशा ये कोशिश करना कि ये साइन स्क्वायर यानी जो भी ये डिग्री एक से ज्यादा है इसको लीनियर बनाओ, इस स्क्वायर को लीनियर में कन्वर्ट करो। ऐसा कोई फार्मूला जिसमें साइन स्क्वायर का लीनियराइजेशन होता हो, नहीं वो लीनियर में बदलता हो, कोई ऐसा फार्मूला तो सिर्फ एक ही वो जगह है जहां पे साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स लीनियर में बदलते हैं, या साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स लीनियर में बदलते हैं, वो होता है जैसे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लीनियर में बदलता है वहां कॉस टू एक्स के फार्मूले से, और साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स लीनियर में बदलता है साइन 3x या cos 3x के फार्मूले से। जैसे हम sin 2x का फार्मूला जानते हैं, सॉरी cos 2x का फार्मूला जानते हैं, cos 2x का फार्मूला क्या होता है, कुल मिलाकर तीन फार्मूला होते हैं जिसमें से हम दो फार्मूला अपन यूज करेंगे, एक तो 1 - 2 cos² x, एक 1 - 2 sin² x, और एक तो 2 cos² x - 1। अब देखो अपने को साइन स्क्वायर को लीनियर बदलना है तो कॉस टू एक्स बदलना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या 1 - cos² x / 2 हो गया क्या, यानी ये आपका इंटीग्रेशन बदल गया 1 - cos² x / 2 इंटू डी एक्स, क्या बन गया बच्चों जरा देखो, क्या यहाँ से 1/2 तो बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और cos 2x का माइनस है, cos 2x का sin 2x इसमें मतलब प्लस के साथ, और 2 का 2x है, x लीनियर नहीं है तो इसके x लीनियर है तो इसके आके नीचे इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे प्लस c। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लो दूसरे नंबर पे जो है इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर x dx होता है तो ये आपका क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x को यहां से देखो 1 + cos² x / 2, इसे cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 + cos² x / 2 क्या हो गया 1 + cos² x / 2 into dx, ये आपका 1/2 तो 1/2 बाहर आ गया और ये 1 का x हो गया, cos 2x का प्लस sin 2x sin 2x by 2 plus c, ठीक है। अब एक और cos और sin में से किसी एक का कराऊंगा क्यूब वाले को, ऐसे मान लो मैंने लिया थर्ड नंबर पे sin क्यूब x कह रहा है into dx, तो मैं sin 3x का और cos 3x का दोनों का फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं,
साइन 3x का फार्मूला होता है 34 नंबर, याद रखेंगे साइन पहले आता है तो 34 पहले आएगा और कॉस 3x मतलब 43 बाद में आएगा 43, तो हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और हमेशा 4 के साथ क्यूब आता है, और कॉस 3x का फार्मूला ऐसे ही कॉस बाद में आता है तो ये 4 यानी 43 नंबर हो जाएगा 43, और आपके सामने 4 के साथ हमेशा क्यूब रहेगा। तो यहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्लियरली दिख रही है कि साइन क्यूब एक्स इक्वल टू है बच्चों क्या, साइन 3, देखो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4, यही है आपके पास साइन क्यूब एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे साइन क्यूब एक्स की वैल्यू यहां पे डाल दिया हमने क्या, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 इंटू dx, बात समझ में आ रहा है। अब इंटीग्रेट करना बेहद इजी काम है, आपका 1/4 बाहर आ गया, देखो 3 साइन एक्स का हो जाएगा माइनस 3 कॉस एक्स, सही है, 3 यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 3 कॉस एक्स हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, और साइन 3x का हो गया माइनस कॉस 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 मल्टीप्लाइड यहाँ पे आके 3 डिवाइड कर देंगे प्लस सी। अरे बात समझ में, आप कर सकते हैं कॉस क्यूब एक्स का कर सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 में से किसी एक का, छठे नंबर पे यानी पांचवे नंबर का आप खुद कर सकते हैं, छठे नंबर की बात मैं ले लेता हूँ, छठे नंबर की बात है क्योंकि उसका आप कर सकते हैं, तीसरा हो गया, चौथा वाला आपको खुद करना है, चौथा आपको खुद करना है, पांचवा जो है वो मैं आप ही को करना है, मैं छठा बता रहा हूँ तो पांचवा आपको करना है, मतलब साइन वाला आपको कर लेना है, कॉस वाला मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे है कॉस की पावर 4x dx, ठीक है, फिर से क्या हम इस कॉस की पावर 4x को लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू फिर से यहां से कॉस स्क्वायर एक्स, यही चीज इसमें साइन की पावर 4 वाले में भी यही काम करना है कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो फिर यहां से आपका कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू उठाकर रखना है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, यानी क्या रखना है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब जरा देखो होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो मिल जाएगा ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x, और इधर में बाहर में आ गया 1 बाई 2 इंटू dx। समस्या फिर आके खड़ी हो गई, क्या समस्या सर, 1 का तो हो जाएगा, बहुत सही, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये भी सही बात है, सर cos स्क्वायर 2x का कैसे होगा, तो फिर लीनियर से ज्यादा डिग्री आ गया, 2 है पावर, यानी फिर इसको किस में डालना पड़ेगा, वापस लीनियर में लिखना पड़ेगा, तो एक लाइन और काम करना होगा, एक लाइन के बाद ही ये अपने चीज पे यानी इसका आंसर देने के योग्य हो पाएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, सोचना है, सोचने की बात है क्या, कि अपने पास cos 2x की वैल्यू है 2 cos x माइनस 1, 2x का आधा हुआ है, आ रहे बात समझ में, यानी अगर ये आधे से डबल कर रहा है, यानी x से डबल बदल रहा है, स्क्वायर है तो x का डबल हो रहा है, अब यहां पे 2x होता है तो यहां पे 4x हो जाता, यहां पे 3x होता है तो इसका डबल यहां पे 6x हो जाता, यहां पे 7x होता है तो इसका डबल यहां पे 14x हो जाता, मतलब यहां पे अगर मैं, ये तो बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल में ब्रेक करना, क्लास 10th में पढ़ा होगा या 11th में पढ़ा होगा, यानी 2x को x को 2x बन रहा है, 2 से अगर लीनियर में बन रहा है, तो अगर मान लो यहां 4x होता तो यहां पे इसका डबल 8x हो जाता, 7x होता तो इसका डबल यहां पे 14x हो जाता, तो वैसे ही ये cos स्क्वायर 2x है तो लगेगा तो बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन बस यहाँ पे 2x के जगह पे लीनियर बदलते समय इस 2x का डबल हो जाएगा 4x, यानी हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बाई 2 प्लस 2 cos 2x, बिल्कुल सही, अब यहाँ पे आप बिल्कुल इंटीग्रेट करने के योग्य हो, 1 बाई 2, इस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया x प्लस ये 1 बाय 2, यहाँ पे इस 1 का इंटीग्रेशन x, फिर एक cos 4x का प्लस sin 4x बाय 4 क्योंकि 4 से जाके डिवाइड मारेगा, प्लस ये 2 cos का sin 2x बाय नीचे में 2 प्लस c, बाकी जो बाद में है इसको मैनिपुलेट कर ले,
आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी जितना डिग्री बढ़ेगा उस सबको हम लीनियर डिग्री में बदलेंगे। अब जैसे मान लो कि कॉस पावर 4 तक हो गया, अगर कॉस की पावर या साइन की पावर 5 होता तो हम कैसे निकालते? यानी इंटीग्रेशन ऑफ ऑड डिग्री, ये तरीका है। ये सब देखो, मैं अभी जो लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन विथ ऑड डिग्री। मतलब अगर अकेले में है और ऑड डिग्री है तो करना बहुत आसान है। जैसे मान लो कि ऐसे इंटीग्रेशन में साइन की पावर 5 एक्स डीएक्स, या इंटीग्रेशन में कॉस की पावर 7 एक्स डीएक्स, या इंटीग्रेशन में आपका कुछ साइन की पावर 9 एक्स डीएक्स, ये सबको करना आसान है, ठीक है ना। कि अगर ऑड है तो, अगर यहीं पे इवन होगा तो सबको हम रिडक्शन फार्मूला से करेंगे या कुछ और अन्य मेथड सोचेंगे, पर ऑड वाला आसान है इसलिए मैं करा दे रहा हूं। जैसे कॉस की पावर 5 है, साइन की पावर 5 है, कॉस की पावर 7 है, साइन की पावर 9 है, ऑड है, तो जब ऑड डिग्री हो तो एक उसमें से कॉस या साइन बाहर कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहां से जैसे मान लो मैं पहले वाले को ले रहा हूं, इंटीग्रेशन में साइन की पावर 5x dx, इसमें से हम एक को बाहर कर लेंगे। किसको बाहर कर लेंगे, यानी यहां से सिर्फ एक साइन x को बाहर कर लेंगे, साइन की पावर 4x into साइन x dx। आई बात समझ में? क्या करेंगे हम, एक को बाहर कर लेंगे। अच्छा, अपने आप से पूछेंगे, अभी इस बात पे गए नहीं है कि मतलब टी मानने वाले पे, लेकिन ये चीज वही का है। अपने आप से पूछेंगे कि ये डेरिवेटिव किसका है, ये इस फॉर्म का है, क्योंकि यही पे है इसलिए मैं कह रहा हूं ये इस फॉर्म का है, एफ एक्स इंटू एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां से क्या करना होता है, लेट एफ एक्स को आप मान लो टी, तो इसका डेरिवेटिव यहां पे है। तो सवाल अपने आप से करोगे कि बाहर में किसका डेरिवेटिव है, तो सवाल आपको जवाब मिलेगा कि डेरिवेटिव है वो एफ एक्स का। तो इसको जिसका डेरिवेटिव उसको टी मान लो और डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी, एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। और यहां से देखो एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी पुट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी की पावर एन डी टी। ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट का ये सवाल आपके बनते हैं। तो आप पूछेंगे अपने आप से कि भाई ये साइन एक्स किसका डेरिवेटिव, तो आपको मिलेगा जवाब कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स। किसका डेरिवेटिव, सवाल पूछा आपने, किसका डेरिवेटिव, जवाब आया साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस होता है, तो माइनस क्या फर्क पड़ता है, इधर से उधर जाना ही तो है, बस उसको कॉस एक्स का डेरिवेटिव है ये, आपको ये जवाब मिला। बात समझ में आया? अब जरा देखो, तो इसको क्या करेंगे, साइन की पावर 4 को कॉस में बदल लेंगे। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। आ रही बात समझ में? और साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्या आया बच्चों? अब यहां पे कॉस को अपन लोग क्या मान लेंगे, टी। कॉस को क्या मान लेंगे, टी। देखो कॉस को हम लोग मान लेंगे टी, तो यहां पे अब हम लोग मान लेंगे कि लेट कॉस एक्स बराबर हो जाएगा टी। तो क्या यहां से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका डी टी। देखो साइन एक्स डी एक्स के जगह पे क्या पुट हो जाएगा भाई, देखो साइन एक्स डी एक्स के जगह पे हो जाएगा माइनस डी टी। यानी यहाँ पे इस पूरे के जगह पे क्या पुट हो गया आके, माइनस डी टी। इंटीग्रेशन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी ये हो गया टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो गया माइनस डी टी, ठीक है। अब ये देखो माइनस तो बाहर आ गया, अब देखो 1 माइनस टी स्क्वायर को का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर इंटू डी टी।
अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करना बेहद आसान हो गया, वन का इंटीग्रेशन, चूंकि वेरिएबल कौन है यहाँ पे, यहाँ पे वेरिएबल है आपके आज के दिन पे टी, तो वेरिएबल टी है तो कांस्टेंट वन का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, ये हो गया माइनस टी प्लस, ये हो जाएगा टी की पावर फाइव, एक पावर बढ़ जाएगा नीचे वही पावर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस टू टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, और टी की फर्दर वैल्यू क्या है देखो तो यहाँ पे कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव माइनस टू कॉस एक्स की पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, जब जब आपका डेफिनेट इन यानी और डिग्री का जब रहेगा तो हर किसी को ऐसे ही हम बदल बदल के कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है, कुछ और सवाल पे डिस्कस करते हैं, अभी सब हम बेसिक बेसिक ही बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ और सवाल पे डिस्कस करते हैं। देखो सपोज सवाल आपके सामने ऐसे दे दिया जाए, सवाल ऐसे दे दिया कि इंटीग्रेशन में वन अपॉन साइन स्क्वायर, मैं खुद से बोल रहा हूं कि ये सब सवाल आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस आपकी हो जाए समझ आ जाए कि कैसे चीजों को करते हैं, सिर्फ उसके लिए सब सवाल है, ठीक है। तो लिखा है वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये वन के जगह पे दो चार पांच कुछ भी डाल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सवाल का मेथड वही रहेगा। देखो ऊपर में अगर यहाँ पे वन के जगह पे टू डाल देता, टू के जगह पे दस डाल देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर दस डाल देता तो भी हम इसको लिख लेते कि लिखा है टेन इंटू वन अपॉन, मतलब हम लोग होते हैं ना कि हम लोग को जो अपना अपना जिससे उल्लू सीधा होगा उसी का यूज करेंगे, यहाँ पे उल्लू सीधा होगा वन से, कैसे अभी तक आपको मैं बार बार वन की तरफ फोकस कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा कैसे उल्लू सीधा हो रहा है वन से, क्या करेंगे अपन लोग वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में होने से हमें कोई फायदा वाला नहीं देने वाला है, दे सकता है फायदा, अब और फर्दर पढ़ लोगे तो फायदा दे सकता है कि सर चार से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो कोसेक स्क्वायर एक्स बनेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का कोई ना कोई इंटीग्रेशन तो होता ही है, तो वो भी फायदा दे सकता है, पर दूसरे मेथड से कर, दोनों मेथड से मैं कर देता हूं, देखो दोनों मेथड से कर देता हूं, यहां से नीचे से ऊपर भेजने से पहले आप टेन इंटू वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये टेन इंटू देखो ये क्या बन गया दोनों मिलके, अच्छा ये जाके अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं तो साइन स्क्वायर कट गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा sec square x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होता है tan x, और cosec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई cot x, ये दोनों बात आपको बताई गई थी, ये दोनों बात आपको बताई गई थी प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। मान लो ऐसे ना होकर अगर ये होता तो अच्छा बच्चों यहां पे हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे चार से मल्टीप्लाई कर देते तो ये टू साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाता, फिर आपको उस समय वन अपॉन साइन टू एक्स होता, साइन टू एक्स ऊपर जाता तो सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टू एक्स हो जाता, कोसेक स्क्वायर टू एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स वगैरह कुछ आ जाता, वही चीज यहाँ पे कॉस टू कॉट टू एक्स आता, वही चीज यहाँ पे भी आपका बनेगा, ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही चीज बनेगा। एक और ध्यान रखना, इन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन द आंसर मे बी मोर देन वन, अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो कि ट्रिगो फंक्शन का इंटीग्रेशन का आंसर एक से ज्यादा हो सकता है, जैसे हमने एक ये आंसर लाया दूसरे तरीके से चलेंगे तो आंसर दूसरा आएगा, लेकिन अल्टीमेटली दोनों एक ही जगह पे जाके आंसर मिल जाएंगे, मतलब इस वाले को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट इधर वाले का आंसर आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। सेम जैसे मान लो इसको मैं दिखा देता हूं, इस सवाल को जैसे मान लो ये टेन का, ये टेन इंटू यहां पर मैंने इसको साइन कॉस में बदल दिया, ठीक है, अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा यहां पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
और जरा बताओ ये प्लस सी, बोलो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस टू एक्स, मतलब कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों एक, और ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ये ऊपर बन गया टेन इंटू, देखो ऊपर बन गया माइनस कॉस टू एक्स, ठीक है कि क्योंकि माइनस उल्टा है यहाँ पे तो माइनस कॉस टू एक्स, और ये नीचे में ऊपर नीचे में दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, यहां मैं लिखता हूँ टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे 2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लिया, ये तो हो गया 20, ये हो गया माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x, ठीक है, और साइन अपॉन कॉस क्या बन गया 20 माइनस 20 कॉट 2x प्लस सी। आई बात समझ बच्चों, ये तो आपका तब है माइनस कॉट 2x प्लस सी, ये तो तब आ रहा है जब आपका इसको सॉल्व कर रहे हैं, और इसी चीज को मैं दूसरे मेथड से बात करूं जो मैंने बोला कि एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, तो ये आपका जो दे रखा है 10 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या क्या वो इंटू dx, ऊपर नीचे में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो देखो ऊपर में तो हो गया 40 तो बाहर आ गया dx, ऊपर आ गया नीचे में 2 sin x into cos x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, ये बन गया आपका बच्चों देखो ये बन गया dx अपॉन, ये हो जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 40, ये बन जाएगा cosec स्क्वायर 2x into dx, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x क्या होता है माइनस cot, तो यहाँ पे x के जगह पे 2x है जाके 2 डिवाइड करेगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है, डिवाइड करेगा प्लस c, 2 से ये मारा अपना खटाखट सब खत्म हुआ कटा पीटा, ये इसको काटा 20 और यहाँ पे बन गया cot 2x प्लस c, देखो आंसर यही आया क्या सेम। तो मैंने क्या कहा कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन एक से ज्यादा हो सकता है आंसर, पर उनको जब आप सॉल्व करके लेके जाओगे ना तो एक पॉइंट पे दोनों सेम हो जाएंगे, अगर एक लड़का इधर से लेके जाए उसको यहां मिलेगा आगे वो नहीं प्रोसीड करेगा, एक लड़का इधर से लेके जाएगा उसको ये मिलेगा, तो इसका मतलब नहीं कि दोनों का अलग अलग आंसर है या ये गलत आया हुआ है, जो ये आया है इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप पे पहुंच जाएंगे, ये आपका है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और एक और सवाल करते हैं, देखो अगला सवाल अगर हम कहें, अगला सवाल कहें जैसे लाइक आपके सामने रख दिया जाए साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटू dx, तो देखो एक चीज तो जो अपने ख्याल से पहले दिख रही है कि सर एक बार पहले डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो कि शायद डिवाइड करने से कुछ कट पिट जाए, जो बचेगा उसके बारे में सोच लेना, एक तो ये काम कर सकते हैं कि सर पहले इसको डिवाइड करके देख लो अगर कुछ बनता है तो ठीक, नहीं बनता तो कुछ और मेथड के बारे में सोचना सर, देखो अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो साइन स्क्वायर कटेगा यहाँ पे एक साइन एक्स बचेगा नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, ठीक है प्लस यहां पे डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ऊपर में कॉस बचेगा नीचे में एक साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बच जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ साइन अपॉन कॉस, एक एक को मैंने अलग कर, साइन अपॉन कॉस ये बन गया टेन, नीचे में क्या बच गया साइन बाई कॉस, एक कॉस को यूज कर लिया एक कॉस बच गया, तो बचा क्या एक कॉस बच गया, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन, ये बन गया कॉट एक्स, और नीचे में एक साइन बच गया नीचे से ऊपर गया तो क्या बन गया ये कोसेक एक्स होल का डीएक्स। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, शायद आपको पता होगा कि ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ये आपका कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ये माइनस कोसेक एक्स का मतलब कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये कोसेक एक्स फार्मूला भी याद रहना चाहिए, ये हो गया बात समझ में आई, मान लो पावर फोर दे देते तो क्या होता, ये सब मैं अभी आसान आसान प्रॉब्लम लेके चल रहा है, एकदम आसान बेहद आसान आसान प्रॉब्लम से अपन अवगत कर रहे हैं, बेहद आसान आसान प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, ठीक है।
तो जैसे बेहद आसान आसान प्रॉब्लम को अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखो अगला सवाल, तो अगला सवाल में मान लो कि यहाँ पे पावर फोर होता, साइन की पावर फोर एक्स प्लस कॉस की पावर फोर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो बच्चों फिर से मैं करूंगा तो वही एक बार, पहली बार कोशिश करूंगा डिवाइड करने की, डिवाइड करने से काम बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो साइन ए की पावर फोर बी की पावर यानी साइन की पावर फोर प्लस कॉस की पावर फोर एक्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये देखो डिवाइड कर रहा है अपन लोग, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, एक ऊपर में बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ऊपर में कॉस की पावर फोर एक्स से कॉस की पावर कॉस स्क्वायर एक्स, एक तो कट जाएगा ऊपर में कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा और नीचे में साइन की पावर साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा इंटू डी एक्स। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स पूरा का पूरा बनने को तैयार है क्या, टेन स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स। और ये अच्छा मौका आ गया हमारे पास ये हमको बताने का, अलग से इसको नहीं कराना पड़ेगा, कि टेन स्क्वायर एक्स अगर आपके पास है या कॉट स्क्वायर एक्स है तो आप इनको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, ना कि आप इनको इनको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट के बारे में सोचोगे तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट देखो डायरेक्ट नहीं होंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का अभी तक जो फार्मूले पड़े हैं उसमें टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन था ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन था जिसको कोई फार्मूले में जाके सूट कर रहा था, तो अगर नहीं था इसका मतलब है कि हमको इसको लिटिल बिट चेंज करना पड़ेगा। किसका था, sec स्क्वायर एक्स का था, sec स्क्वायर एक्स का क्या था, sec स्क्वायर एक्स का tan x था, तो sec तो tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान काम है, यानी कैसे देखो tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस cot स्क्वायर एक्स को भी कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स होता है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बनता है sec स्क्वायर एक्स और 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बनता है cosec स्क्वायर एक्स। तो यहां से cot स्क्वायर की वैल्यू cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब जरा देखो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना बेहद आसान है, क्या हो जाएगा सीधे सीधे tan x, cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x, cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 2x और ये कोई आके यहाँ पे c लग गया। बात समझ में आ रही है, अगर मान लो कि अभी तक तो ये पावर 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 खेल रहे थे, पावर के अलावा अगर मान लो साइन कॉस आके मल्टीप्लाइड हो जाए तो आपको ये चीज फिर से पता होगी, जैसे मान लो ये मेरे कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट को सम में बदलने का फार्मूला अपने को पता होना चाहिए, प्रोडक्ट को सम में बदलने का यानी कन्वर्जन पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट को सम में बदलना, जैसे मान लो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए साइन ए कॉस बी या फिर cos a sin b, मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं, मैं हर किसी को इसी के ऊपर लगा लेता हूं sin a cos b, तो मैं इसके बजाय ये मैं बोलूंगा cos a cos b का फार्मूला पता होना चाहिए और फिर आपका sin a sin b का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, जो किताबों में फार्मूला होता है वो यहाँ पे 2 के साथ होता है, ठीक है, लेकिन जो हमको मिलता है वो बिना 2 का मिलता है, ठीक है ना, 2 के साथ नहीं मिलता है, तो अपन लोग 2 के साथ नहीं रहता है ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम पहले 2 में बना लेंगे कि भाई देखो 2 बनाने के लिए 2 sin a cos b और ये भी 2 sin a, तो इसको 2 में कैसे बनाएंगे, हम थोड़ा सा जगह बचाने के लिए थोड़ा सा इसको यूज कर ले रहे हैं ऐसे ही, देखो ये ऐसे अपने पास ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 ऊपर में 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ऐसे, ये भी 1/2 इंटू ये भी 1/2 इंटू, ये काम मतलब आप इतना आईआईटी में पढ़ते हुए इतना ना कर पाओ तो क्या मतलब है, मेरे कराने का कोई मतलब भी नहीं है बता रहा हूं मैं जो ये, तो 2 साइन ए कॉस बी इतना इजी इजी काम कर रहा है, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अभी तक समझ लो कि क्लास 3/4 का बच्चा भी पढ़ लेगा, ऐसा भी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा अभी चीज चल रही है। तो 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा इसके लिए भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सब बस ये पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, अपने दिमाग में इसका फार्मूला अगर आपको याद है
तो कोई बात ही नहीं है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। ये चार फार्मूला याद है तो इन्हीं को, इनको एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, इनको एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो इस तीनों फार्मूला, चारों फार्मूला आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो देखो आपका ये फार्मूला जाता है कि 1/2 ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और मैं दूसरा वाला क्यों यूज नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मान लो इनमें से जो भी बड़ा हुआ साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी, तो ये जो माइनस साइन आएगा तो अपने आप साइन कॉस माइनस को बाहर कर देता है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पे कॉस ए कॉस बी चाहिए तो ये 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, 1/2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, देखो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। थोड़ी मतलब ये थोड़ी सी मुश्किल वाली काम है कि याद करना है, नहीं तो बाकी और कोई बड़ी चीज नहीं है, ये याद है तो इनको ही जोड़ घटा के अपने लिख लेते हैं, इतना तो आप कर सकते हो। तो बाकी मैं हटाता हूं ये सम को प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को सम में लिखने वाला फार्मूला, क्योंकि सवाल करेंगे हम लोग। सवाल क्या है, जैसे मान लो आपके सामने सवाल आ गया इंटीग्रेशन में साइन 3x इंटू कॉस 5x को इंटीग्रेट करना है इंटू dx, ठीक है। साइन 3x इंटू कॉस 5x को इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, अपने को फार्मूला 2 वाला पता है, तो इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू कॉस 5x इंटू dx, क्या बन जाएगा 1/2। फार्मूला था साइन कॉस का एक साथ था साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस कॉस साइन ए माइनस बी, तो ये था साइन ए प्लस बी यानी 3x प्लस 5x प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 5x इंटू dx, ठीक है। अबे भी कोई चिंता की बात नहीं है, हम ये नहीं देखेंगे कि कॉस का बड़ा है कि साइन का बड़ा है, यानी एंगल किसका एंगल बड़ा है इसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, हमको तो पता है कि साइन अपनी प्रॉपर्टी से कभी बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लेगा साइन माइनस 2x, और ये प्रॉपर्टी लगाते ही माइनस बाहर आ गया साइन 8x माइनस साइन 2x इंटू dx, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन 1/2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 8x और नीचे चला जाएगा 8, फिर ये माइनस माइनस प्लस साइन का कॉस 2x/2 प्लस सी, आ रही बात समझ में, आंसर आपके सामने आके बैठ गया। ऐसे कोई भी सवाल अगर ऐसे होगा, एक और सवाल बस करके हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। जैसे मान लो आपके सामने सवाल ये आ जाए इंटीग्रेशन में cos x इंटू कॉस 3x इंटू dx, तो फिर से क्या करेंगे, पहले 2 से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, डिवाइड और मल्टीप्लाई करें यानी 2 cos x इंटू कॉस 3x, ये समझ लो कि इंटीग्रेशन है ही नहीं, ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री आप कर रहे हो। 1/2 फार्मूला क्या होता है, cos इंटू cos cos a cos b का ये हो जाता है cos a प्लस बी x प्लस 3x प्लस cos a माइनस बी एक्स माइनस 3x, और आप जानते हो कि कॉस जो है ना कि माइनस को खा जाता है इंटीग्रेशन में, 1/2 ये हो जाएगा कॉस 4x माइनस प्लस कॉस माइनस 2x, ये हो जाएगा dx, आई बात समझ में भाई। 1/2 ये कॉस 4x का तो कॉस 4x ही रहने देते हैं, और यहां से माइनस कॉस को खा, कॉस माइनस को खा जाता है तो कॉस 2x और इंटू dx हो गया, चलो चलेगा 1/2। अच्छा आगे cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, नीचे में कौन चला जाएगा x का मल्टीपल 4, cos 2x का sin 2x, नीचे कौन चला जाएगा x का मल्टीपल, x का मल्टीपल कितना है 2 प्लस सी, बात समझ में आ गई, इंटीग्रेशन हो गया। अब अगले अगले की तरफ बढ़ेंगे, चलो नेक्स्ट अपने पास देखेंगे कि क्या है।